So the following functions are strictly decreasing on 0 से पाई अपॉन। क्या पूछ रहा है भाई मंदीप? देखो क्वेश्चन नंबर 12। का कौन सा फंक्शन 0 से पाई अपॉन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा डिक्रीज करता है? तो ये देख लो किसका डेरिवेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेस देन 0 आएगा। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, वो फर्स्ट में है एफ एक्स, हाँ तो वो मंदीप वो आखिरी के दो लेक्चर है ना जो, उसमें देख वो कराया हुआ है मैंने। डिफरेंशिएशन नहीं है, वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव किस किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, किस पे नहीं करता, बस ये चीज है अलग, वो मैंने करा दी है लास्ट के दो लेक्चरों। डेरिवेटिव तो यही है सारा का सारा, कुछ अलग नहीं। देखो जैसे एफ डैश एक्स कोस एक्स का क्या आया, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब आप देखो हमें चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो माइनस का साइन एक्स लेस देन जीरो, तो साइन एक्स क्या हो, पॉजिटिव। अब साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यानी फर्स्ट जो है ये सही है। अगर चार ऑप्शन है इसके तो उसमें से ये पहला ऑप्शन सही है। अब आप दूसरे पे आते हैं, देखो दूसरे में पूछा है कोस टू एक्स, तो मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू कोस टू, इसका डेरिवेटिव करूं मैं एफ डैश एक्स, क्या आ जाएगा, कोस का माइनस का साइन टू एक्स, माइनस का टू साइन टू एक्स, इट इज माइनस का टू, ठीक है। ये जो अपने नाम से ज्वाइन नहीं करेंगे ना उसको हम रिमूव कर देंगे, है ना। एफ डैश एक्स इसमें भी आते हैं, देखो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो, तो फिर माइनस का टू साइन टू एक्स लेस देन जीरो, तो साइन टू एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो। अब साइन पॉजिटिव कब होगा, अब ये देखो साइन पॉजिटिव कब होगा, साइन पॉजिटिव होगा जब उसका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो या फिर सेकंड क्वाड्रेंट का। तो यहाँ पर टू एक्स क्या होना चाहिए, टू एक्स होना चाहिए जीरो से लेके पाई तक, हद है यार तेरी अंकित, पसरा पड़ा है बेड पे। कितना सोता है, देखो x हो गया जीरो से लेके पाई अपॉन टू, तो फिर तो ये भी सही आ गया। इसने पूछा भी 14 फोरियर फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन जीरो से पाई अपॉन, पहला भी स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है। पहला दूसरा दोनों सही है, चलो तीसरे पे भी चलते हैं। ये पूछा कौन कौन से हैं, अब चलते हैं थर्ड पे, एफ एक्स इक्वल टू थर्ड कौन सा था,
cos 3x, देखो cos 3x ये है थर्ड, मानोगे नहीं क्या ऐसे अननोन वाले को मैंने वेटिंग रूम में रख दिया। अब जो भी जुड़ेगा ना उसको पहले वेटिंग रूम में आना पड़ेगा। देखो f डैश x हो गया माइनस का 3 साइन 3 है, ठीक है। अब डिक्रीजिंग के लिए हमने किया f डैश x को लेस देन 0, ठीक है। f डैश x लेस देन 0 के लिए माइनस का 3 साइन 3x लेस देन 0, साइन 3x लेस देन 0, तो फिर देखो 3x क्या होगा, साइन नेगेटिव सॉरी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा ना, यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो साइन पॉजिटिव कब कब होगा, जब ये इसका एंगल क्या हो पहले या दूसरे क्वाड्रेंट में। तो एक्स क्या हो गया 0 से लेके पाई अपॉन 3 तक, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है क्योंकि ये तो पाई अपॉन 3 तक ही है, जबकि हमें क्या चाहिए 0 से पाई अपॉन 2 तक। तो यहां पर कहेंगे इट इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ में देखो टेन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स का मैंने डेरिवेटिव किया तो ये आया सीकेंट स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स। अब आप देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें चाहिए तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या हो लेस देन जीरो, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो, ये तो कभी सेकेंड का स्क्वायर ये तो कभी लेस देन जीरो होगा ही, एक्स बिलोंग्स टू पाई आ गया है ना, कभी भी नहीं होगा ये। तो कौन कौन से आए, केवल पहला और दूसरा दो ही आए, जैसे कोई डाउट है तो पूछो इसमें। है बोलो किसी को कोई डाउट, फोर देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव किया, अब हमें चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब एफ डैश क्या होना चाहिए, ये जो एफ डैश है ये लेस देन जीरो और ये लेस देन जीरो कब होगा एफ डैश, जब सेकंड स्क्वायर लेस देन सेकंड स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर करें हम तो वो जीरो से छोटा तो आ ही नहीं सकता, स्क्वायर तो हमेशा ही क्या होता है जीरो से बड़ा होता है ना, तो इसलिए एक्स बिलोंग्स टू फाइव होगा। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, अब योगेश को तो आवाज ही नहीं आ रही, बाकियों को आवाज आ रही है क्या, योगेश अपना नेटवर्क सही करो अभी, थोड़ा सा फोन को इधर उधर ले जा कहीं पर, ठीक है। किसी को इसमें कोई, अब ये अंकित शोरोन आए हैं ये कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही आवाज, तो जैसे इसका नाम लिया तो इसको आवाज आ गई,
चलो अच्छी बात, आवाज आ रही है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, मैं इतने अटेंडेंस ले रहा हूँ आपसे। दो बार आ रही है आवाज, अंकित कह रहा है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो इस वजह से दो बार आ रही है, यानी अगर मैं तुम्हें मूर्ख बोलूं तो तुम्हें दो बार मूर्ख सुनाई देगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये तो खैर पुरानी आदत है टाइम वेस्ट करवाने की। अंशु ने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर डबल आ रही है तो फिर रिपीट करने की जरूरत ही नहीं, तो दो बार आ रही है तो रिपीट कर दिया। चलो अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 पे। ओके देखो क्वेश्चन नंबर है 13, एफ एक्स है एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स फिर माइनस 1 जी। अब इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी एनडीए में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। कहा चार इंटरवल दिए, अब ये बताओ कि इन चार इंटरवलों से किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए देखो डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स क्या हो गया 100 इंटू में एक्स की पावर 99 प्लस में कोस एक्स, या 4 डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0 एंड व्हाट इज एफ डैश एक्स 100 इंटू में एक्स की पावर 99 और प्लस में कोस एक्स, ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए 0 से छोटी होनी चाहिए। वेटिंग रूम में अंकिता, वेटिंग रूम उनके लिए ऑन कर रखा है मैंने, वैसे मैं करता नहीं हूँ, आज ही किया क्योंकि एक दो तीन बिल्लियां आ गई थी क्लास में, पहले बिल्ली आई फिर एक आया बिलाड, उसका नाम था आई एम बिलाड, तो उनके कारण फिर मैंने ये वेटिंग रूम ऑन कर दिया, उनको वेटिंग रूम में पकड़ दिया, फिर थोड़ी देर वो बैठे रहे बेचारे वेटिंग रूम में चले। चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि 100 इंटू एक्स की पावर 9, अच्छा एक तो एंट्री कर चुका है, अच्छा हर्ष होगा फिर तो पक्का, हर्ष ही आया था बाद में, हर्ष यादव 12 हैंडी है। कोई बात नहीं बेटा क्लास ले इधर, वो बिलाड़ बताऊंगा मैं, ऑफलाइन बिलाड बनाऊंगा फिर तेरे को। तेरे मुंह से म्याऊ म्याऊ ना करवाई देख लेना। हाँ अब जो क्वेश्चन पे आते हैं कि फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस कोस एक्स लेस देन 0, अब आपको ये देखना है कि ये जो डेरिवेटिव है ना ये डेरिवेटिव लेस देन 0 कब होगा, कौन सा इंटरवल ऐसा है जिसमें ये डेरिवेटिव लेस देन 0। तो पहला अब देखो यहाँ पर कुछ सोल्व नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा बस आपको ये देखना है कि कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चेक करना है बस, ओरली चेक कर लो चाहो तो। देखो पहला इंटरवल दिया 0 से 1, फर्स्ट इंटरवल है 0 से 1 ये वाला, ठीक है 0 से 1। अब 0 से 1 में एक्स की वैल्यू सारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव भी होगी और प्लस में इस टाइप की होगी फ्रैक्शन की, है ना, पॉजिटिव भी होगी और प्लस में फ्रैक्शन की वैल्यू भी होगी। तो ये जो है ना ये नंबर देखो कोस तो 0 से 1 में कोस भी पॉजिटिव है 0 से 1, यानी ऐसे कोस का ग्राफ तो ऐसे होता है, यहाँ पे 0 यहाँ पे पाई अपॉन, तो यहाँ पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 1.57, तो ये भी पॉजिटिव होगा 0 से 1 में, ये भी पॉजिटिव है पहली टर्म और दूसरी टर्म भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो क्या आएगा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, लेस देन 0 तो आने से रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट जो है ना वो तो सही है,
कि फर्स्ट में तो नेगेटिव आएगा नहीं, ठीक है। अब ये ऐसे ही चेक करना पड़ेगा और कोई इसका प्रोसीजर है नहीं। फिर दूसरा है देखो पाई अपॉन टू से पाई, पाई अपॉन टू से पाई, ये वाला इंटरवल। इस वाले इंटरवल में आप ध्यान से देखो कि पाई अपॉन टू से पाई का मतलब हुआ 1.57 से लेके 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 एंड पाई बाय टू अप्रोक्सीमेट 1.57, तो 1.57 से लेके 3.14 तक। तो ये जो है ना ये वाली टर्म बहुत बड़ी वैल्यू देगा पॉजिटिव में, क्योंकि आगे 100 से ही मल्टीप्लाई है। और कोस तो नेगेटिव होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी। कोस नेगेटिव कितना हो सकता है? -1 से लेके 0 तक, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा होगा पॉजिटिव, इस रीजन से ये जो वैल्यू आएगी ये भी 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, अब आते हैं देखो तीसरे पे। तीसरा क्या है? 0 से पाई अपॉन टू। अगेन 0 से पाई अपॉन टू में ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ये पॉजिटिव है, ठीक है। कोस एक्स भी क्या होता है? पॉजिटिव ही है, तो ये भी क्या? ग्रेटर देन सी। तो आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ आंसर है कि नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई भी वो इंटरवल नहीं। अब बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? रिपीट करना। 0 से 1, देखो 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू सारी कैसे की होगी? प्लस की तो होगी, 1/2, 1/3 फ्रैक्शन में होगी 0 से 1 के बीच में, इस वाले इंटरवल में, है ना। तो देखो x तो है 0 से लेके 1 तक, तो x की पावर 99 कितना होगा? वो भी 0 से 1 के बीच में ही होगा, 1/2, 1/3, इसकी पावर 99 करें तो वो वैल्यू भी और छोटी हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव रहेगी, है ना। फिर इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 100 × x की पावर 99, ये कितना हो गया? 0 से 100 के बीच, तो ये तो पॉजिटिव ही आया ये वाला। और cos x तो 0 से 1, 0 से 1 का मतलब पहला क्वाड्रेंट ही हुआ, पूरा क्वाड्रेंट पहला भी नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया। यानी अगर मैं बनाऊं 0 से 1 एंगल, 0 तो यहाँ होगा, 1 एंगल कहाँ होगा? 1 एंगल ऐसे होगा, ये एंगल होगा इतना 0 से 1 के, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ठीक है। इसमें ये ग्रेटर देन 0 आ गया, जबकि चाहिए था लेस देन 0। अब आए पाई बाई टू से पाई में। पाई अपॉन टू का मतलब क्या हुआ? पाई अपॉन टू का मतलब हुआ 1.57, पाई का मतलब 3.14। अगर x 1.57 से 3.14 के बीच में, तो x की पावर 99 कितनी होगी? इस पूरे की पावर 99, इस पूरे की पावर 90, तो ये वाली वैल्यू भी तो पॉजिटिव ही आई। देखो ध्यान से, पॉजिटिव आएगी ना ये वैल्यू, तो ये पॉजिटिव आया। और पाई बाई टू से पाई में कोस नेगेटिव होता, लेकिन कितना नेगेटिव होगा? बस -1 तक ही हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू तो बहुत बड़ी है। जरा 1.5 की पावर 99 करके दिखाओ, वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। उस इतनी बड़ी वैल्यू में से अगर एक माइनस भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा तब। क्यों? 0 से पाई अपॉन टू कुछ सोचने की बात ही नहीं। 0 से पाई अपॉन टू में एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स की पावर 99 ये भी पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव है। कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लस प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा। तो यानी तीनों इंटरवल में एफ डैश की वैल्यू तो 0 से बड़ी आ रही है, 0 से छोटी तो आई नहीं थी, और हमें चाहिए 0 से छोटी। तो इसका मतलब किसी भी इंटरवल में एफ डैश क्या है? 0 से छोटा नहीं है। इसका मतलब फोर्थ इंटरवल सही, फोर्थ ऑप्शन सही होगा नन ऑफ दीज। अब बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया सभी को? हर्ष यादव बार बार भाग रहा है।
क्यों बार बार बाहर जा रहा है फिर अंदर आ रहा है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सभी स्क्रीनशॉट ले लो सब इसका। फिर नेक्स्ट पेज पे चले हम। माइनस वन से जीरो में डिक्रीजिंग, हाँ माइनस वन से जीरो में डिक्रीजिंग होगा, 100% होगा। क्यों? एक्स की पावर 99 है ना, वो ओड पावर है, तो वो जो वैल्यू आई, वो जो वैल्यू देगा ना, वो नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू देगा। वो नेगेटिव हो गया एक्स कोस एक्स, कोस एक्स तो पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में, लेकिन वो बहुत बड़ी नेगेटिव में वैल्यू होगी, और कोस थोड़ा सा ही नेगेटिव है, कोस थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। चलो बोलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये किसने भेजा? अंकित शरोन, डाउट है। अनम्यूट, अनम्यूट नहीं चलता यहाँ पर। तो पहली क्लास ली है क्या भाई अंकित शरोन? कौन है तेरे को? नहीं अब तक ये नहीं पता कि क्लास में हमेशा अनम्यूट ही रखते हैं। पहली बार आया है क्या आज क्लास में? जो डाउट पूछना है वो लिख के भेज। पता चला तेरे को अनम्यूट किया। देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक बेटा लिख के भेज दे, नहीं करेंगे अनम्यूट तो नहीं करने वाला मैं किसी, नहीं तो फिर डाउट क्लास में पूछ लेना, फिर अनम्यूट नहीं करेंगे। देखो फाइंड, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कहा कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन वन सेट। ए की सबसे छोटी वैल्यू निकाल ली है, एक काम करना, तेरे पास व्हाट्सएप नंबर है ना अंकित शरण मेरा, उस पर लिख के भेज देना या उस पर बोल के भेज देना, उसमें भी तो होता है ना रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, तो उसमें बोल के भेज देना, मैं बता दूंगा कि क्या दिक्कत है। 14 है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ए की वो सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एफ डैस एक्स निकाला हम, क्या बना देखो 2x प्लस में a। अब आवाज कट कट के आ रही है, एफ डैस एक्स होना चाहिए लेस देन, यानी 2x प्लस a शुड बी लेस देन 0, ठीक है। और कहा कि x ये भी दिया, देखो एक और है गिवन, क्या है कि गिवन ये है कि x जो है वो है 1 से लेके 2 के बीच, 1 से 2 के बीच, x 1 से 2 के बीच। अब देखो ये इंटरवल दिया ना, इसकी हेल्प से हम इस तक पहुंचेंगे, इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों में, तो 2 इधर 4, अब इसमें a ऐड कर दिया मैंने, 2 प्लस a इधर 2x प्लस a इधर 4 प्लस, 4 प्लस में इट इज 4 प्लस। दोबारा अब हमें चाहिए एफ डैस एक्स लेस देन 0, यही तो एफ डैस एक्स है। एफ डैस एक्स क्या है 2 प्लस ए और 4 प्लस ए के बीच में आएगा, हमें चाहिए एफ डैस एक्स, ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए हमें। तो एफ डैस एक्स नेगेटिव कब होगा? जब ये नेगेटिव हो, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो ये तो अपने आप ही एफ डैस एक्स इससे बड़ा होगा, है ना। तो इसका मतलब ए प्लस 2 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए।
अरे किसको आवाज नहीं आ रही? हाँ देखो, 2+a तो नेगेटिव हो ही ना, 4+a नेगेटिव होना चाहिए, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू, ये तो पॉजिटिव हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन 4+a की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव होगी तो एफ डैश एक्स तो हमेशा इससे छोटा होगा, और नेगेटिव से छोटा होने का मतलब वो खुद भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन गलत लिख रखा है? तो मैं देखता हूँ, एफ एक्स है x2 + ax + 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग का होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होगा। अब हमें 2x + a, अब ये पॉजिटिव चाहिए, दोबारा से बताता हूँ, क्वेश्चन में गलत लिख रखा था, डिक्रीजिंग के लिए नहीं, इंक्रीजिंग के लिए पूछा है। अब अगर ये पॉजिटिव है, f(x) ये पॉजिटिव है, तो ये तो इसमें और इसमें है, तो इसका मतलब अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि तो जब ये पॉजिटिव होगा तो f(x) इससे तो बड़ा ही होगा हमेशा, और इससे बड़ा होने का मतलब क्या होगा कि f(x) पॉजिटिव हो गया, यानी 2+a क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू जी, a की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। तो उसने पूछा सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? -2 होगी, पूछा था ना, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, तो सबसे छोटी वैल्यू -2 हो जाए। समझ में आ गया भाई सभी को? दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो क्योंकि वो एक बार गलत लिख गया हो सकता है, उसके कारण कंफ्यूजन हो गया हो आपको। देखो दोबारा, f(x) है निकाला 2x + a, f(x) इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, स्ट्रिक्टली कहा है क्या? स्ट्रिक्टली कहा है f(x) ग्रेटर देन 0, तो 2x + a ग्रेटर देन 0। हमें यह कहा कि x तो 1 से 2 के बीच में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें ये बनाना है 2x + a बनाना, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, a ऐड कर दिया पूरी इनइक्वालिटी में, ये आ गया। अब हमें ये चाहिए कि f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी, f(x) इससे तो बड़ा है, इससे बड़ा होने का मतलब ये अगर पॉजिटिव होगा तो f(x) अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 2+a को क्या कर दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी? -2 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, तो a की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हुई? -2। बोलो किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गया सभी के? अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 ये आपको करने हैं, 16, 17, 18 और 19 ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, और इससे पहले रह गया 15वां क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 कराऊंगा मैं, 15 मैं खुद कराऊंगा, ये आपको करने हैं, ये मैं नहीं कराऊंगा, इसलिए आपका होमवर्क यही है कि आप इन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करें, ठीक है? कल ये पूरी हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चल लेंगे। अब मिलेंगे कल।